नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बीते ही दिन सभी विषयों की बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। परीक्षा का समापन सफलतापूर्वक हुआ है। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने में भी अधिकारी सफल रहे। 1 से 12 फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा में कुल 13,04,352 के करीब में परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा के लिए प्रदेश में कुल 1523 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में दूसरों की जगह परीक्षा देने वाले कुल 45 मुन्ना भाई निष्कासित किए गए हैं, तो वही कदाचार में लिप्त पाए गए 205 बच्चे और परीक्षा से निष्कासित किए गए हैं। 10वीं की परीक्षा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी क्या वजह थी जिस कारण 12वीं के कुछ बच्चों को परीक्षा तक से निष्कासित कर दिया गया। साथ ही कुछ को 2 साल तो कुछ को 1 साल तक के लिए बोर्ड परीक्षा से प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों कई बच्चों पर इस तरह की सख्त कार्रवाई की गई है? 12वीं की परीक्षा दे रहे कई बच्चों ने जो गलतियां की उसे आप ना दोहराएं, इसी उद्देश्य से ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आपको बता दें कि 12वीं की चल रही परीक्षा में कई मुन्ना भाई जो दूसरों की जगह परीक्षा में बैठे थे उन पर भी सख्त कार्रवाई हुई है। साथ ही नकल करते या कदाचार में संलिप्त पाए गए बच्चों पर भी कार्रवाई हुई है। परीक्षा के दौरान तो कई बच्चों पर 1 साल के लिए तो कुछ पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही FIR दर्ज होने के साथ अन्य कार्रवाई भी की गई है। ये वे बच्चे थे जो लेट से पहुंचे थे। लेट से आने के कारण इन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिस वजह से इन हताश बच्चों ने चहार दीवारी को फांद कर केंद्र के अंदर घुसने की कोशिश की। इसलिए यदि आप भी 10वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो कभी इन गलतियों को ना दोहराएं। परीक्षा शुरू होने का समय है, उससे आधे घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की पूरी कोशिश करें। साथ ही परीक्षा के दौरान जो भी आ रहा है उसे खुद से लिखने की कोशिश करें। इधर उधर तांग झांक से बचे और किसी तरह के नकल या चीट पुर्जे ले जाने से बचे, नहीं तो आप भी परीक्षा से निष्कासित किए जा सकते हैं अथवा सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। जब परीक्षा कॉपी मिले तो दिए गए दिशा निर्देशों को पूरी तरह से ध्यान से रखें। साथ ही यदि आप परीक्षा में व्हाइटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे भी करने से बचें। कॉपी को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। परीक्षा कॉपी में ज्यादा क्रॉस और बार बार गलतियां करना भी आपके इंप्रेशन को डाउन कर सकता है। ध्यान रखें कि 12वीं की परीक्षा में अधिक ठंड देखते हुए ही बच्चों को परीक्षा के दौरान जूते मोजे पहनकर आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 10वीं की परीक्षा के दौरान जूते मोजे पहनकर आने से मनाही है। साथ ही परीक्षा के दौरान किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को साथ ना लाएं। यदि आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपको किसी भी तरह की झिझक की जरूरत नहीं है। यदि आप भी 10वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।